इंदौर शहर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में श्री रणजीत हनुमान मंदिर के सामने वार्ड क्रमांक 83 स्थित बीती देर शाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक निजी संस्थान में बैठक हुई, जहां क्षेत्र के कांग्रेसियों द्वारा पिछड़ा वर्ग कांग्रेस प्रकोष्ठ के नेता हिमांशु यादव का सम्मान किया और इस बार एकजुट होकर कांग्रेस के लिए कार्य करने का सभी ने संकल्प भी लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो कांग्रेसी पार्टी से नाराज है या घर बैठे हैं, उन्हें सम्मान समझाया जाएगा और पार्टी के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं इस दौरान सभी कांग्रेसियों ने कोरोना काल में मृत्यु हुए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेसी कार्यकर्ता कई सालों से लगे हुए हैं जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है और कुछ कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिल पाने के कारण पार्टी में घर बैठ गए। मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं वो लड़ाई लड़ूंगा कि जो 25-30 साल पुराने कार्यकर्ता हैं उनको आप संगठन में भी मौका दो और पार्षद चुनाव में जो टिकट चुनाव लड़ना चाहता है उनको टिकट भी दो। पहला हक और अधिकार उन्हीं का। एक और बाइक से है ना, मतलब पौधारोपण का अभियान आप चला रहे हैं, किस तरह से इसको चला रहे हैं और कैसे आपका सहयोग कर रहे हैं अन्य लोग? अभी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस ने कुछ दिन पहले एक अभियान चलाया था, आपकी कांग्रेस आपके द्वार, आपके दुख में आपके द्वार। तो पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के कार्यकर्ता उन लोगों के घर गए थे बैठने जिन लोगों की कोरोना के कारण डेथ हुई थी। हमने ये पाया कि अधिकतर जो डेथें हुई थी वो ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और बेड ना मिल पाने के कारण हुई थी। तो OBC पिछड़ा वर्ग ने एक संकल्प लिया है राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर से कि इंदौर शहर के 85 वार्डों में हर जगह जाके वृक्षारोपण किया जाएगा। उसी दिन से हमारा ये संकल्प चल रहा है। मैंने अभी मेरे वार्ड में, वार्ड क्रमांक 63 में, एक बगीचे के अंदर 200 वृक्ष लगाए हैं। वृक्ष भी जो लग रहे हैं वो शोबाजी के वृक्ष हम नहीं लगा रहे हैं, हम ऐसे वृक्ष लगा रहे हैं कि जिससे लोगों को ऑक्सीजन मिले, जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया। वार्डों में भी हमने वृक्ष लगाए हैं। वृक्ष लगाने के बाद जहाँ जहाँ वृक्ष लगे हैं हम लोगों के, हमने आसपास के लोगों को बोला है कि आप लोग इस वृक्ष का ध्यान देना, इसमें समय समय पर इसको पानी मिलता रहे और देख रेख करते रहना। और आगे भी ये संकल्प जारी रहेगा वृक्ष का, हम लोग हर पूरे वार्ड तक पहुँचेंगे, पूरे 85 वार्डों में वृक्ष लगाएंगे। आपका परिचय? हिमांशु यादव, इंदौर लोकसभा OBC पिछड़ा वर्ग कांग्रेस अध्यक्ष। बैठक हुई अभी आपकी यहाँ पर वार्ड स्तर की, यहाँ देखा गया है कार्यकर्ता पार्टी से नाराज दिखे हैं बड़े नेताओं से, क्या कहेंगे आप भी कार्यकर्ता? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो बैठक वार्ड स्तर की नहीं, ये शहर स्तर की बैठक थी और इस शहर स्तर की बैठक में हमारे सम्माननीय कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता, बड़ा नेता, छोटा नेता, सब यहाँ उपस्थित थे। और उसके पीछे उद्देश्य ये रहा कि एक तो हिमांशु यादव जी का जो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को हमने सराहना करी। दूसरा ये है कि जिस प्रकार से यहाँ कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी, हर कार्यकर्ता की अपनी एक पीड़ा होती है कि उसका सम्मान होना चाहिए, संगठन को मजबूत करना है, तो बहुत से कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूती के लिए बात रखी और बड़े नेताओं से अपेक्षा रखी कि भाई आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान करें और हम जैसे कार्यकर्ताओं को, हमारी पीड़ा को सुने, हमारी समस्याओं को सुने। होता क्या है कि संगठन यदि मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हमारा नेता चुनाव जीतेगा, हमारी सरकार बनेगी और हम सत्ता में आएंगे। यदि संगठन कमज़ोर हुआ तो हम कहीं भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ता का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी बात रखी और सबसे बड़ी बात आज ये बात, इस बैठक का उद्देश्य ये रहा कि हम यहाँ पर किसी की लाइन छोटी बड़ी करने के लिए नहीं थे, हमने यहाँ पर संगठन की बात करी। हम शहर कांग्रेस के साथ हैं, प्रदेश कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। तो हर कार्यकर्ता की जो पीड़ा थी कि भाई उसकी क्या समस्या थी, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और उससे कुछ न कुछ विचार मंथन हुआ। वो निश्चित रूप से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो हम बैठक हुई है उस विचार मंथन में अमृत निकलेगा और कांग्रेस संगठन मजबूत होगा और हम सब संगठन के लिए काम करेंगे। आपका प्रश्न? विकास जोशी, वार्ड क्रमांक 83, मंडल अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।